सर, मेरा नाम है विराज बुला प्रसाद। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। कहानी का शीर्षक है परिवार का महत्व। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंगे उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है, हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए, इसमें पतंग आजाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने के बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोरी है। थैंक यू।